विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर है सीधी से, जहां अपना पंचन का बताया दी कि सीधी माँ अब नगर पालिका क्षेत्र में पहल कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पावागा है। अपना पंचन का बताया दी सीधी के जमोड़ी वार्ड क्रमांक 8 में वो पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र के पाए गए हैं। अपना पंचन का बताया दी कि सीधी माँ अब कुल कोरोना के संक्रमित संख्या 21 हो चुकी है। बड़ी खबर है यह वक्त के सीधी खातिर, कहे कि अपना पंचायत का बताया दी कि सीधी माँ 21 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 3 एक्टिव केस हो चुके हैं। अपना पंचायत का बताया दी कि युवक जो है आंध्र प्रदेश से 27 जून का सीधी पहुंचे रहे, जिनका हालत जो है थो बहुत सिम्टम्स आवा, मतलब सर्दी खांसी हल्का सिम्टोमेटिक रहा, तो जब फीवर क्लिनिक सीधी जिला चिकित्सालय के सीधी माँ फीवर क्लिनिक में अपन जांच कराएं, जिनकर आज रिपोर्ट 2 जुलाई का कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जोने के लेके अब सीधी प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और अपना पंचायत को बताया दी कि सीधी के जमुड़ी वार्ड क्रमांक 8 का कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अपना पंचायत को बताया दी कि वह कंटेनमेंट जोन के परिभाषा अब मध्य प्रदेश में काफी बदल गई, अब निश्चित एक दायरा में कंटेनमेंट जोन बनावा जाते हैं। जोने के लेके नए गाइडलाइन के अनुसार अब 22 घरन का कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। अपना पंचायत को बताया दी कि युवक के साथ लगभग 3 लोग जो डायरेक्ट संपर्क में रहे, उनके घर वाले, उनका जो है क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन कई दिन का है। और अपना पंचायत को बताया दी कि वह कंटेनमेंट जोन जो जमुड़ी में वार्ड क्रमांक 8 का बनावा का है, लगभग 125 लोगों का जो है वह कंटेनमेंट जोन के जो निगरानी है वो मां रखा गया है। यह वक्त के सीधी के सबसे बड़ी खबर आए कि वह दौर जब सरकार कहो ना कहो कवायद कह रही है कि अब कंटेनमेंट जोन के कहो ना कहो छोट के कीन जाल लाग है, आर्थिक गतिविधि चालू करे खितिर शहर का और गामन का खोला जाल लाग है, किंतु जब यह दौर में अब नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमित पाए जाल लाग है तो बेहद चिंतनीय विषय है। डराए की आवश्यकता नहीं है, किंतु सतर्क बेहद रही, कहे कि यह कोरोना केहू का नहीं जाने, केहू का पहचाने नहीं। कहे कि युवक के अपना पत्र को बताया दी कि जो युवक आंध्र प्रदेश से आए हैं वो सिम्टोमेटिक संक्रमित आई और अपना पंचायत को बताया दी जो आइसोलेशन वार्ड में 3 व्यक्ति अब एक्टिव हो चुके हैं, इन्हों का आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब अब जो है सीधी के कुल एक्टिव केसन की संख्या 3 हो चुकी है। एक व्यक्ति सेमरिया के पुरुषोत्तमगढ़ के आई, दूसरा व्यक्ति सरदा के जो सिहावल अंतर्गत आवत है और तीसरा व्यक्ति अब सीधी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 के निवासी आई है। अपना पंचायत को बताया दी कि यह जो पहल व्यक्ति कोरोना संक्रमित, मतलब अनलॉक फेज में कोरोना मुक्त होने के बाद जब सीधी के पहल व्यक्ति पुरुषोत्तम गढ़वाले रहे, उनकर दोबारा अब रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई गई, जो एक बेहद चिंतनीय विषय है, किंतु भरोसा करे के पड़ी और कहो न कहो सतर्कता अब बढ़ावे के पड़ी। कहे कि हम बचे अपना पंचे सब जने निश्चिंत हो गए हैं, वह निश्चिंतता कहनो बड़े खतरे की ओर ना हमको अपना कले जाए, एक एक स्थिति बेहद सतर्क रही, आपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी। कहे कि ये कोरोना थोड़ा के यदि हम आप चिन्ह के सावधानी घटी हटी ता दुर्घटना बहुत बड़ी घटी। ऐसे 3 मंत्र हमेशा याद रखी, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करब, हाथ का जो है साबुन सैनिटाइजर से धोबत रहब, और एक निवेदन अपना से हर बेरे करी थे कि अपना पंचे आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करी, काहे कि वह यह लड़ाई में भारत देश के बहुत बड़ा हथियार है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।